इस वीडियो में आपको बताऊंगी गोल कट ब्लाउज कैसे बनाएं। देखिए इस वीडियो में आपको बेल्ट ब्लाउज और गोल कट में बता रही हूँ वो कैसे कटिंग करनी है। तो देखिए ये मैंने साड़ी का ब्लाउज लिया है, ये इसका अस्तर है। तो पहले हम अस्तर पर कट कर लेंगे और उसी ड्राफ्ट को रख के दल लिया है और यहाँ से मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है और ये बचा हुआ पीस। सबसे पहले हम अपना शोल्डर ले लेते हैं, जो भी आपका साइज है। आप जैसे कि मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये इसका ब्लाउज जो है डीप नेक शोल्डर लेते हैं, तो मैंने ये 5.5 इंच लिया है। और इसके बाद हम अपने ब्लाउज की लंबाई लेते हैं, जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई है। जैसे कि मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 15 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अभी लेते हैं मुड्डे, तो देखिए मुड्डे मेरे 6 इंच। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपका साइज है। और अभी हम लेंगे चेस्ट। तो जैसे कि अस्तर देखिए धो लिया है मैंने, तो ये आगे पीछे है, तो पहले हम यहाँ से एक जैसा इसको मार्किंग करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस में आएगा तो जब हम ब्लाउज कट करेंगे तो ब्लाउज भी इसी तरह से। और जो हमने लंबाई ली है इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए हमारी यहाँ से मैंने एक जैसा पीस कर दिया है स्ट्रेट, और ये हमने लंबाई ले ली है अपनी, जो भी हमारी ऊपर से लंबाई थी। अभी हम चेस्ट ले रहे हैं, तो जो ब्लाउज बना रही हूँ ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ। तो देखिए जो हमने यहाँ पर बराबर से कर लिया है, यहाँ से 10.5, क्योंकि 34 का 1/4 भाग हम ले रहे हैं, इसमें 2 इंच का हमारा मार्जिन है। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो देखिए 8.5 इंच आएगा 1/4 भाग, और जो 2 इंच लिया है यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग होगी। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर लेते हैं। जो हम तैयार करेंगे ये हमारा तैयार साइज रहेगा, ये हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा। अभी मुड्डे की गुलाई देखिए, मुड्डे गुलाई 1.5 इंच, देखिए यहाँ तक इस तरीके से आएगा। और जैसे कि आगे का पार्ट है तो 1/2 इंच की और एक्स्ट्रा कटिंग आएगी, तो 1/2 इंच की और मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर से इसी तरह से रहेगा, शोल्डर से नीचे उसको 1/2 इंच उतारते हुए यहाँ पर इस तरीके की इसकी गुलाई कर देनी। तो जो आपका तैयार साइज है सिर्फ आपको यहाँ तक ही इसकी शेप देनी है, आपको यहाँ तक नहीं देनी। अगर यहाँ तक देंगे तो फिर आगे पीछे के पार्ट जॉइंट करने में फिर आगे पीछे हो जाएगा, तो ये चीज़ आप खासकर ध्यान रखें। तो जो कट करेंगे अभी हम यहाँ से कट करेंगे, अभी नेक ले लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लें, जैसे मैं इसमें डोरी नहीं डाल रही हूँ। अगर डोरी डाल रहे हैं आप तो इसको ब्रॉड भी ले सकते हैं। और देखिए इसकी गहराई में 6.5 इंच ले रही हूँ, तैयार में 6 इंच आएगा। नीचे से हल्का सा ब्रॉड कर दूंगी, ऊपर से सेम देखिए इस तरीके की इसकी शेप आएगी। अभी हम अपना कप साइज़ लेते हैं, तो देखिए शोल्डर से इसी तरीके से टेप को रख लें। जो भी आपका कप साइज़ है उस हिसाब से आप मार्किंग कर लें। जैसे कि मेरा कप साइज़ 11.5 इंच है तैयार में, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी तो 12.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर 12.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कप साइज़ रहेगा, और इसमें से हमारी बेल्ट आने वाली। देखिए हम गुलाई देते हैं, तो देखिए जो हमारा हुक पट्टी साइड है यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा यहाँ पे मार्किंग हमने विथ मार्जिन लिया है, यहाँ से मार्किंग कर लें, तो यहाँ से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। अभी यहाँ से आप इस तरीके से डॉट लगाते हुए, और जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है हुक पट्टी साइड में, यहाँ तक इस तरीके से इसकी गुलाई करते हैं। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने कप साइज़ लिया है सेम उतना ही इधर रखना है, इसको कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और देखिए इसकी जो शेप आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। तो जो हमारी गुलाई आएगी वो कुछ इस तरीके से गुलाई आएगी, और जो बेल्ट में गुलाई आएगी वो भी सेम इसी तरह से बेल्ट में भी गुलाई आएगी। अभी जो हमने ये ड्राफ्ट किया है, इस ड्राफ्ट को कट कर तो देखिए ये ड्राफ्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे तो हमारी प्लेट आने वाली है, लेकिन इसमें तो प्लेट नहीं आएगी, तो इस बेल्ट को इस साइड से आपको कट नहीं करना है। जो ये साइड है ये तो आपको सेम रखनी है, क्योंकि हमको जब स्टिच करेंगे तो सेम इसी तरीके से आनी चाहिए। जो भी हमको यहाँ पर कट देना है, जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है इसकी, क्योंकि इतनी लंबी बेल्ट हमको नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेट आएगी, तो उसी हिसाब से हम इसमें कम कर लेते हैं। तो वो बता देती हूँ कितना रखना। तो देखिए हम इसमें से 1.5 इंच कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की मार्किंग करके यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अगर ये ज़्यादा रहेगी तो बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो जो ज़्यादा होगी उसको बाद में कट कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा कट ना करें, क्योंकि कम पड़ जाएगी तो फिर आपको जॉइंट करनी पड़ेगी। तो देखिए इसी का जो ड्राफ्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसी ड्राफ्ट को रख के मैं अभी
ब्लाउज भी कट कर ले। ऐसे मैंने ये ब्लाउज पीस भी कट कर लिया है और अभी हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं प्लेट की। तो ब्लाउज को साइड में रख दिए, यहाँ पे जो हुक पट्टी साइड है यहाँ पे टेप को इस तरीके से रख लें और 4.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर लें, इस तरीके से डॉट लगा दें। अभी जो 4.5 इंच लिया है इसमें हमारी 2.25 इंच की प्लेट आ जाएगी, तो यहाँ पे 2.25 इंच पे इस तरीके से एक डॉट लगा देंगे और इसके बीचों बीच 1.2 के आसपास एक सेंटर में मार्किंग कर देंगे। तो ये प्लेट को यहाँ पे भी इसी तरीके से डॉट लगा दें। अभी प्लेट की हम लंबाई लेते हैं, तो देखिए जो प्लेट की लंबाई रहेगी उसकी लंबाई हम 3 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्किंग की है हमने 1.2 पे, यहाँ से 3 इंच, और देखिए जो हमारी ये प्लेट आएगी यहाँ पे इस तरीके से आए। तो देखिए 2.25 इंच की प्लेट हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी 3 इंच लंबी। और एक प्लेट डालेंगे हम हुक पट्टी साइड में, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से टेप को रख लेंगे और 2.5 इंच की लंबाई प्लेट ले लेते हैं। और ये प्लेट ज़्यादा नहीं रहेगी, ये प्लेट हम 1/2 इंच की, तो ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। और एक प्लेट आएगी हमारी मुड्डे की तरफ से, तो देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे और यहाँ पे एक मुड्डे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हम 1 इंच की गोलाई में ये मुड्डे की प्लेट आएगी, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये 4 इंच लंबी आ रही है प्लेट, और ये प्लेट भी 1/2 इंच आएगी। तो देखिए इस तरीके की हमारी ये 3 डॉट यहाँ पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कप साइज है वो बहुत अच्छा बैठेगा। एक तो नीचे से गुलाई आ जाएगी और ऊपर से जो प्लेट है ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, और जो कप साइज है काफ़ी अच्छा बैठता है। और आप किसी भी साइज़ के लिए इसी तरह से बना सकते हैं। और अभी कैसे तैयार करना है वो बता। नीचे मैंने ये उल्टा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर जो अस्तर का हमारा ड्राफ्ट किया है हमने ये रख लिया है। इसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, इससे क्या है ये दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। जो हमारी ये प्लेट है यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिचिंग डाल दें, जिससे क्या होगा जब आप प्लेट स्टिच करेंगे तो प्लेट आपके ब्लाउज में अस्तर में दोनों में स्टिच हो सके, जिससे क्या है परफेक्ट फिटिंग आ सके। अगर नहीं तो क्या होता है कि जो ब्लाउज में प्लेट हमारी नहीं आ पाती है, सिर्फ अस्तर में ही प्लेट आ जाती है, तो वो बराबर हमारी फिटिंग नहीं बैठती है। तो इसीलिए आप एक एक स्ट्रेट लाइन स्टिच कर लें और उसके बाद उसमें प्लेट डालेंगे। और जो हमने नीचे की बेल्ट एक ही कट की है, एक अस्तर की और एक ब्लाउज की, एक और अस्तर की बेल्ट हम कट कर लेंगे। अस्तर की बेल्ट जब कट कर लेंगे तो एक अस्तर की बेल्ट और एक ब्लाउज की बेल्ट को हम इस तरीके से एक साथ स्टिच कर देंगे, और जो दूसरी अस्तर की बेल्ट होगी उसको हम अस्तर की तरफ रख के, जैसे बताया था मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया। देखिए यहाँ पर भी सिलाई डाल दी है दोनों प्लेट में, और एक सिलाई मैंने जो तीसरी प्लेट है इसमें भी डाल दी है। जैसे बताया था कि मैं ब्लाउज के बेल्ट के साथ में अस्तर भी स्टिच कर लूँगी, एक बेल्ट ये भी स्टिच कर ली है, नीचे ही हमारी अस्तर की बेल्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे वाली प्लेट डाल लेते हैं। प्लेट कंप्लीट है और एक प्लेट हमने जो मार्किंग की है यहाँ तक, इसको भी डाल लेते हैं। ये दूसरी प्लेट भी हमने स्टिच कर दी है और सेम तीसरी भी कर दी। देखिए तीनों प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी इसको खोल देते हैं तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये कप साइज तैयार हो गया है। जो हमने तैयार करने के लिए सिलाई डाली थी इसको निकाल देंगे और अभी बेल्ट अटैच करते हैं। तो नॉर्मल बेल्ट हम हुक पट्टी की जो साइड रहती है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें हमको साइड से स्टार्ट करना है। तो देखिए इस पीस को हम ब्लाउज का जो बेल्ट है इसको इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, और जो अस्तर वाला है इसको नीचे की तरफ रख लेंगे। इससे क्या है इसकी फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। स्टिचिंग कंप्लीट है, इसको खोल देंगे। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं, तो सीधी तरफ आप देख रहे हैं कि सीधी तरफ भी कितनी अच्छे से हमारा ये फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मैंने इसी में जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिलाई डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट, और इसको अभी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। कमर में भी यहाँ पे हमने कितनी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। और जैसे कि राइट साइड का, तो यहाँ पे हुक आएंगे तो हुक पट्टी तैयार करते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे एक किनारे पर सिलाई डाल देंगे और इसको इस तरीके से पलट देंगे, बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे। देखिए मैंने क्रॉस में 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है, जॉइंट भी कर लिया है, और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा नेक है इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। देखिए ये पट्टी किनारे पे सिलाई डाल दी है और हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे,
तो देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आएगी। और आप चाहे तो यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा साइड का पीस तैयार कर, नेक में मैंने एक गोल्ड कलर की लेस स्टिच कर दी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। जैसे कि ये राइट साइड का, तो यहाँ पे हमारे हुक्स आ जाएंगे। और देखिए जो हमारी ये हमने गुलाई में कट किया था इसको, तो देखिए इसकी शेप देखिए इस तरीके से गुलाई में आ रही है। तो इसकी फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है पहनने के बाद। और यहाँ पे आप जब इसकी साइड फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कप साइज़ भी बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये राउंड कट बेल्ट ब्लाउज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।